सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो मेरे कैनेडियन सब्सक्राइबर्स जो हैं, कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये जानना था कि मैं डॉज कॉइन कहाँ से बाई करता हूँ। तो जिसने डॉज कॉइन बाई करना है तो वो बाई कर सकता है। तो मैं एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ बाइनेंस एप्लीकेशन, और मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू यूज़ बाइनेंस एप्लीकेशन एंड हाउ टू बाई डॉज कॉइन्स और अदर कॉइन्स, कौन कौन से आप क्रिप्टो करेंसी बाई कर सकते हो। ये कैनेडा के अंदर लीगल है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और इसका टैक्स कितना पड़ता है मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, आप जितना भी गेन करते हो उसका 50% आपके एम्प्लॉयमेंट इनकम पे जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बिटकॉइन से $1,000 का प्रॉफिट किया, तो जो $500 है, 50% अमाउंट है, वो आपकी एम्प्लॉयमेंट इनकम से जुड़ जाएगी। अगर आप $12,000 पर ईयर कमाते हो तो $12,500 हो जाएगी, तो फिर उस पर टैक्स पड़ेगा। तो वीडियो को एंजॉय करना, अगर अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाइनेंस एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो। और उसके बाद मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि मैंने इथीरियम कितने बाय किए। मैंने 2 इथीरियम बाय किए हैं। इंडिया में 1 इथीरियम की कॉस्ट 1,00,000 रुपये है, तो इसका मतलब मेरे पास 2 इथीरियम है। तो मैं वो आप अगली वीडियो में बताऊँगा। तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाइड है। मैं अपने $10,000 प्लस का पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, और मैं थोड़ा फाइनेंशियल आपको नॉलेज देना चाहता हूँ कि फ्यूचर में आगे जाके आप भी अमीर बन सकते हो, मिलीनियर बन सकते हो। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, मिलीनियर बन सकते हो। जैसे बिटकॉइन 2010 में 5 सेंट का था, आज वो $40,000 का है। अगर वो कोई $100 का खरीद लेता बिटकॉइन 5,000 रुपये का, तो आज वो बिलीनियर मिलीनियर होता। तो सेम यही बाकी कॉइन्स हैं, ये जो 10 साल बाद बढ़ेंगे। तो फिर चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आपको बाइनेंस एप्लीकेशन कैसे यूज़ करते हैं वो दिखा देता हूँ। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच। सो गाइस, बाइनेंस यूज़ करने के से पहले मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें किस लिए होती है। सबसे पहले हम होम पे जाते हैं। होम पर आपको आएगा आप कैसे बाय कर सकते हो कोई भी कॉइन। आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड में जाना है, और बेसिक जो कॉइन्स होते हैं, कुछ कॉइन्स होते हैं जो हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हम कैनेडियन डॉलर्स में बाय कर सकते हैं। वो कॉइन्स हैं BTC, BUSD, इथीरियम, रिपल, BNB, FIO प्रोटोकॉल, और टेथर और US, ठीक है। ये तरीके हैं आप ये कॉइन्स बाय कर सकते हो डायरेक्टली क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, ठीक है। बाय करने के लिए आपको यहाँ पे वैल्यू भरनी है, कितने डॉलर्स के बाय करने। अगर आपने रिप्पल बाय करना है तो फिर यहाँ पे आप लिखो $500 का, तो आपको इतने रिप्पल मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होगी। सेकेंड चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, और जब आप मार्केट पर जाओगे तो मार्केट में आपको सारे कॉइन्स देखने को मिलेंगे। और XRP/BNB का मतलब क्या होता है, अगर आपने BNB बाय किया है तो आप उससे रिपल भी बाय कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आप अलर्ट क्रिएट करना चाहते हो, आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हो कि अगर XRP की वैल्यू इतनी जाएगी तो मुझे अलर्ट दे देना, जिसकी वजह से आपको पता लग जाएगा कि आप सही टाइम पे बाय कर सकते हो, ठीक है। और करेंसी पे जाके आप चेक कर सकते हो करेंसी कौन कौन सी है ना, INR, यहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। ये एक तो चीज़ होगी XRP/BNB। तो बाय कैसे करना है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। अब ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई है, यहाँ पे आप कॉइन्स के पेयर्स क्या होते हैं। जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं इंडिया में हमें कोई प्रोडक्ट लेना होता है तो हमें इंडियन करेंसी चाहिए होती है INR, तो वो प्रोडक्ट /INR हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के लिए भी हमें कोई और क्रिप्टो करेंसी चाहिए होती ताकि हम वो क्रिप्टो करेंसी बाय कर सकें। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूँ डॉज कॉइन। जो डॉज कॉइन है, अगर आप यहाँ पे डिपॉजिट पर जाओगे और यहाँ पे आप डॉज लिखोगे तो आपको यहाँ पे आएगा कि आप एड्रेस आएगा, एक हर एक कॉइन का, हर एक क्रिप्टो करेंसी का एक एड्रेस होता है, ठीक है। वो एड्रेस आपको कॉपी करना होता है, और अगर आपके दूसरे अकाउंट में वो डॉज कॉइन्स पड़े हैं वो एड्रेस पेस्ट कर दो तो आपके एड्रेस पे डॉज कॉइन आ जाता है। अब डॉज कॉइन बाय करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉज कॉइन बाय करने के 2 बहुत तरीके हैं। सबसे पहले आपको ट्रेड्स पर जाना है,
ट्रेड्स पर जाने के बाद जब आप यहाँ पे सर्च करोगे, यहाँ पे डॉज आ जाएगा। अब देखो, मैंने जैसे बताया कि हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग क्रिप्टो करेंसी से बाय किए जा सकते, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है हर एक का एक्सचेंज रेट होता है। जैसे हम डॉज USDT से भी बाय कर सकते हैं, डॉज BUSD से भी बाय कर सकते हैं, डॉज BTC से भी बाय कर सकते हैं, डॉज यूरो से भी बाय कर सकते हैं, तो डॉच स्लैश ट्राई से भी बाई कर सकते हैं, तो इन सब से हम बाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास बिटकॉइन है तो बिटकॉइन पे जाना है, और यहाँ पे होता है स्टॉप लिमिट होती है, मार्केट बाय होता है और लिमिट होती है। आपने लिमिट लगा देनी है कि जब डॉज की वैल्यू इतनी जाएगी तो अपने आप बाय कर लें। और आपके पास जो इन BTC हैं आपने कितने यूज़ करने, 25% अमाउंट यूज़ करनी है, 50% अमाउंट यूज़ करनी है, 75% अमाउंट यूज़ करनी है, आपने मार्केट रेट पे बाय कर सकते हो आप, तो फिर आपका इजली डॉज कॉइन बाय हो जाएगा। अभी के लिए मैंने XRP बाय किया है, ये $1 जाने वाला है। और अगर आप इंडिया में हो तो आप BitBNS यूज़ कर सकते हो, मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये अभी 500 डाले थे, $868 हो चुके हैं। तो ये मैंने कैसे बाय किया, आप डिपॉजिट पर जाओगे तो आप सेम आप देख सकते हो, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो एड्रेस, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से भी डायरेक्ट बाय कर सकते हो XRP। तो फिर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि डेफिनेटली आप बाय करो। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, डिपॉजिट करने के लिए होम पे जाना है और यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड स्लैश डेबिट कार्ड में जाना है, तो आप यहाँ से अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हो, तो उससे आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज आपको क्या करना है, आप पीयर टू पीयर आप कर सकते हो। जैसे अगर आप इंटरेक्ट कर सकते हो किसी पर्सन को, आप इंटरेक्ट करोगे तो आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने USDT बाय करना है, यू कैन बाय USDT एज वेल, तो आप इंटरेक्ट ई ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इस BTC से भी P2P कर सकते हो, जैसे BTC है, ठीक है, आप BTC भी ऐसे खरीद सकते हो, ये चीज़ें। बट मैं सजेस्ट करूँगा यूज़ क्रेडिट कार्ड स्लैश डेबिट कार्ड, ठीक है। तो जब ये हो गया डिपॉजिट की बारी, अब डिपॉजिट किस तरह से करा सकते हो, अब कैसे विड्रॉ करना है, विड्रॉ करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, बहुत ही बेस्ट तरीका है विड्रॉ करने का। इसका ये एक बाइनेंस एप्लीकेशन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप वो रेफरल से डाउनलोड करोगे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपको थोड़े से रेफरल के बोनस मिल जाएंगे या बिटकॉइन समथिंग मिल जाएंगे। तो ये वॉलेट है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब देखो $1400 हो गए, XRP बढ़ रहा है गाइस, 56% है आपके सामने ही है, ठीक है। तो ये बढ़ रहा है, ये $1 जाएगा और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आई होप आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं हमेशा टिप्स देता रहता हूँ कॉइन्स के रिगार्डिंग। और एक कॉइन्स तो XRP है, दूसरा है आपको सेल्फ की है, सेल्फ की अभी बहुत ही कम रेट पे ख़रीदा था लेकिन बहुत ही अच्छा है, 12,000 खरीदे हुए हैं। तो ये सारे कॉइन्स हैं, ठीक है। तो ये वॉलेट, अब आपको विड्रॉ कैसे करने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, आपको प्रॉफिट हो जाता है, आपको मार्केट पे जाना है, ठीक है, ट्रेड्स पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है XRP। XRP जब आप सर्च करोगे आपने XRP/BTC करना है। तो यहाँ पे जब आप सेल करोगे XRP तो उसके बदले में आपको बिटकॉइन आ जाएंगे आपके अकाउंट में। अगर बिटकॉइन आ गए, ठीक है, बिटकॉइन आ गए तो उसके बाद क्या करना है आपको, दूसरे वॉलेट के एड्रेस पे सेंड करना है। मैं दिखाता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ ShakePay एप्लीकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके अकाउंट में मतलब बिटकॉइन में वॉलेट में जो आपका डॉज कॉइन आपने बाय किया है या उसे सेल किया है या आपने कोई भी क्रिप्टो करेंसी सेल की है, ठीक है, सेल करने के बाद क्या होता है, जब आप वो सेल कर देते हो आपको बिटकॉइन आ गया, XRP आपने सेल किया, आपको BTC आ गया, फिर आपको इस एड्रेस पे सेंड करना है। कैसे करना है, यहाँ पे आप रिसीव पे क्लिक करोगे, जब आप रिसीव पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपने कॉपी पे जाना है। जब आप ये एड्रेस कॉपी कर लोगे, ये इस वॉलेट का एड्रेस है, जब आपने कॉपी कर लिया तब आपने बाइनेंस एप्लीकेशन खोलनी है और यहाँ पे जाना है BTC पे। यहाँ पे आपको BTC सर्च करना है, यू कैन सर्च BTC, ठीक है। जब ये आपने यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करना है, क्या आपने विड्रॉ करना है, तो यहाँ पे सर्च करो BTC ही विड्रॉ करने, अभी तो $1.50। तो यहाँ पे आपने ना वो एड्रेस है वो पेस्ट कर देना है,
ये एड्रेस जो है आपने एक बार मैच कर लेना है कि आपका जो एड्रेस है वो सेम ही है ना, ये देखो PEYY, ठीक है, तो ये है। तो दो कन्फर्मेशन के बाद आपके अकाउंट में ये बिटकॉइन आ जाएंगे। तो डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। फिर जब आपके अकाउंट में बिटकॉइन आए तो विड्रॉ कैसे करने है? आपको डॉलर्स पर जाना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे सेंड पे जाना है और कैश आउट करा लेना है। तो जब आप कैश आउट करा लोगे तो आपके अकाउंट में इंटरेक्ट के थ्रू पैसे आ जाएंगे। तो बहुत ही इजी मेथड है गाइस। तो ये है वीडियो। अगर आप शेक पे इंस्टॉल करोगे रेफरल से आपको $30 बोनस मिलेगा, और अगर आप बाइनेंस एप्लीकेशन भी रेफरल से डाउनलोड करोगे तो आपको कुछ बिटकॉइंस मिल जाएंगे। तो आई होप मैंने आपकी हेल्प कर दी होगी और इस वीडियो को समझा दिया होगा कि कैसे आप कॉइन्स बाय कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट और प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करो। OXT कॉइन भी बहुत आगे जाने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।